मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थियों, कैसे आप सब, सभी को नमस्कार। आप लोग की तरफ से एक ही जवाब आएगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। सारे लोग बोल रहे हैं कि बीएड बाहर हो गए, पर सच्चाई कोई भी नहीं बताया, फिर इस बार छुपाए गए। और मैं हंस इसीलिए रहा हूं क्योंकि फिर से सभी लोग यही गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोशिश किए हैं, और बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो क्या है आज का सच्चाई? और ऐसे में बिहार में बीएड 1-5 में शामिल किया जा रहा है। बिहार में जो बीएड वाले हैं ये शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में जो आज का जजमेंट जो आया, आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ, जो सुनवाई हुआ, बहुत सारे बोल रहे हैं कि 1-2 मिनट का सुनवाई हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं, गलत बोले गए, 14-15 मिनट का सुनवाई हुआ है। क्या सुनवाई हुआ और आज कैसे बीएड वाले प्रभावित हो रहे थे डीएड वाले पे, कैसे बीएड वाले आज जीतने वाले थे, जीत के वो अंतिम क्षण तक पहुंच गए थे, पर इस केस को ट्रांसफर किया गया। आज बीएड वाले बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही तैयारी के साथ गए थे, और आज बीएड 100% मैं दावा बोल रहा हूं, दावा के साथ बोल रहा हूं कि जीतने वाले थे, पर कैसे उसको ट्रांसफर किया गया, चलिए मैं सारा चीज बता रहा हूं। और यह सच्चाई कोई नहीं बताएगा, और मैं हंस भी इसीलिए रहा हूं, मुझे अंदर हंसी भी इसीलिए आ रहा है कि बिना जानकारी का, बिना इंफॉर्मेशन लिए हुए, चाहे न्यूज चैनल वाले हो, चाहे तो यूट्यूब चैनल वाले हो, लगातार जो जानकारियां देते हैं वो कहीं ना कहीं उससे बच्चे लोग भटकते हैं। वो जानकारियां देना बंद करें वो सब। अब जो भी वहां पर बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप इन्हीं से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं अभी, मेरे को वीडियो बनाने में लेट हो रहा है, मैं बता रहा हूं मैं लेट से वीडियो बना रहा हूं। मैं 1 घंटा पहले चाहता तो वीडियो डालता, और वो जो मैं 1 घंटा पहले जो वीडियो डाला था, 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले, वो मेरा वीडियो सुबह का था। मैं 9 बजे, ये 9:30-10 बजे के बीच में ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं उसी टाइम सारा बात किया था जो मिकूपाल जी थे, और चाहे तो फिर वो दीपांकर गौरव जी थे, मेरा उनसे बात हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो क्या क्या हो रहे थे उनसे मैं सारा बात किया और वो वीडियो डाला। पर वो वीडियो डालते डालते मुझे लेट हो गया, मैं 11:30 वीडियो डाला। 10 बजे वीडियो, 10 बजे का वीडियो बना हुआ था, पर वीडियो एडिटिंग करने में सारा टाइम लगा, और 11:30 में मैं वीडियो अपलोड कर पाया, तो उसी कारण थोड़ा सा डिले हो गया, और तब तक वो जजमेंट आ गए थे। पर अभी मैं कंफर्म तरीके से सारा इंफॉर्मेशन पता किया अंदर का, क्या हुए, क्या सच्चाई है अंदर का, वो सारा चीज मैं रखने वाला हूं, और कैसे जो बीएड वाले स्टूडेंट है उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है, और कैसे डीएड वाले बच्चों से पैसा लेकर उनको ठगा जा रहा है। मैं तो जानता हूं कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि बीएड वाले को जिस तरह से हटाया गया है, इसको 1-5 में शामिल किया जाए, तो हम लोग तो केस को लड़ रहे हैं। पर डीएड वाले को समझ में नहीं आता, ये जो केस को लड़ते हैं और जो बच्चे लोग से पैसा लेते हैं, खैर बाद में बात करूंगा, जो मेन मैटर मैं उस पर बात करता हूं। आज जैसे ही सुनवाई स्टार्ट हुआ, ऐसे ही बीएड वाले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और एक शब्द भी डीएड वाले जितने भी एडवोकेट थे उनका मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, और सारे लोग शांत पड़ गए बीएड वाले के रौद्र रूप देखते हुए। आज बीएड वाले पूरे मूड में थे, ऐसा सा तथ्य रखने वाले थे, ऐसा सा तथ्य रखे भी कि इसका कोई तोड़ नहीं था। जैसे ही इस कोर्ट केस का सुनवाई स्टार्ट हुआ, वैसे ही 6ठा चरण का बात रखा गया कि बिहार से बहाली में जो 6ठा चरण आए थे उसमें तो बीएड वाले को शामिल किया गया, और वो तो 18 के गाइडलाइन को देखते हुए किए गए, तो 7वां चरण को क्यों नहीं, 7वां चरण को क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? तो जस्टिस साहब की तरफ से जो बयान आया था कि 11 तारीख को जो जजमेंट आया है, अगर उस जजमेंट को माना जाए तो भाई जो बिहार का जो 7वां चरण जो वैकेंसी आया है, फिर तो यही वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें बीएड वाले भी शामिल, अगर बीएड वाले को बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें तो दोनों शामिल करके नोटिफिकेशन निकाले गए थे, अगर बीएड वाले को बाहर कर दिए जाएंगे तो ये फिर जो नोटिफिकेशन आया था वही इनवैलिड हो जाएंगे, यानी कि ये 7वां चरण भरते ही रद्द हो जाएगा, तो सारे का मुंह बंद, पहला बात। दूसरा बात, जो बात किए गए वहां पर, देखिए बहुत सारे बातें रखे गए, बहुत सारे स्टेट में डीएलएड को तो बंद किया जा रहा है, डीएलएड को तो इनवैलिड किया जा रहा है, डीएलएड को तो हटा ही जा रहा है, और एनसीटी भी इस पर विचार कर रहा है, एनसीटी भी अपना जो है सीए तौर पर बताया जा रहा है एनसीटी के द्वारा भी कि अब 1 से लेकर 12 तक बीएड वाले को ही रखा जाएगा, बीएड का ही डिग्री चाहिए। अब बीएड वाले देखिए, जैसे कि हरियाणा में बता रहा हूं, हरियाणा में डीएलएड को हटा ही दिया गया, पता ही सब कर दिया गया, बीएड वाले ही रहेंगे, तो तमाम सारे बजक हुए, तमाम सारे जो आर्गूमेंट चल रहे थे। और ऐसे में एक और बात रखे गए, देखिए आज का जो चल रहा था, अंदर का जो फैसला चल रहा था बहुत ही तगड़ा चल रहे थे, और ऐसे में और भी बात रखे गए कि अगर सर देखा जाए तो 1-5 में अगर डीएड वाले को रखा जाता है तो फिर 6-8 में फिर डीएड वाले कैसे आते हैं? 6-8 में तो डीएड वाले को नहीं रखा जाएगा, 6-8 में डीएड वाले भी रहते हैं और बीएड वाले भी रहते हैं, तो यहां पर फिर दोनों साथ में कैसे आते हैं? तो 1-5 में फिर बीएड वाले क्यों नहीं रहेंगे? तो सारा बहुत सारे तमाम सारे मैटर रखे गए, बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज मैं बताऊंगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, पहले तो मेरे आप चलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहा करें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और मैं पिछला बार ही बोला था कि सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, बोल रहे थे कि बीएड बाहर हो गया, ये हो गया, पर जैसे ही जजमेंट आया शाम को और मैं जजमेंट आप लोगों के सामने रखा तो सारे चीज स्पष्ट हो गया कि कौन सही बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा था। और आज बीएड जीते जीते समझिए कि हारा नहीं है, जीते जीते केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर आज ये केस ट्रांसफर नहीं होते तो बीएड वालों का जीत निश्चित था।
इसमें तमाम सारे मैटर का बात किया गया था, छत्तीसगढ़ वाले मैटर का बात किए गए, बहुत सारी चीजें रखे गए थे, बहुत सारे तथ्य रखे गए थे। और ऐसे में तो डीएलएड वाले का पता ही साफ करने का बात चल रहा है, पर ऐसे में बहुत सारे जो डीएलएड वाले जो टीचर लोग हैं, चाहे तो डीएलएड वालों के सपोर्ट से उतरे हुए हैं, वो लगातार स्टूडेंट से पैसा ठग रहे हैं, ले रहे हैं, अपना गाड़ी खरीद रहे हैं और कोर्ट में एक नॉर्मल एडवोकेट उतार दिए जाते हैं। कोर्ट में डीएलएड वाले की तरफ से एडवोकेट उतारने का मतलब ही समझ में नहीं आता है। हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग के साथ दिक्कत हुआ, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, पर डीएलएड वालों से क्यों पैसा ठगा जा रहा है? और जो डीएलएड वाले, जो बिहार में मैं बोल रहा हूं, बिहार के लिए जो केस में जो एडवोकेट उतारते हैं, मैं बता रहा हूं सारा सपना पे आप लोग का पानी फिर जाएंगे। लाइए आज मैं लिख रहा हूं, सारा सपना पे पानी फिर जाएंगे। बिहार में बीएड शामिल हो रहे हैं, गारंटी मैं बोल रहा हूं। जो आप लोग जितना तेजी कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, जो झूठ झूठ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और आप लोग का तो काम है खुश करके इन्फॉर्मेशन देना कि बीएड को बाहर कर दिया गया, आज फिर से हटा दिया गया, क्योंकि आप लोग पैसा लेते हैं। मैं पैसा नहीं लेता हूं। कोई अपनी बच्चा बोल दे कि मैं किसी से 1 रुपया लिया हूं, मुझे डीएलएड और बीएड ऐसा नहीं करना है। किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलना, जो सच्चाई हो मैं सच्चाई रखता हूं। जब डीएड वाले की तरफ से पक्ष में था तो मैं पक्ष में बोलता हूं, जब बीएड वाले के पक्ष में तो मैं पक्ष में बोलता हूं। और आज कोर्ट का केस जो सुनवाई हुआ उसमें कुछ भी नहीं हुआ, वो सीधे सीधे जो अनिरुद्ध बोस है उनके जो है उनके जो है उनके पास जो केस को ट्रांसफर कर दिया गया, और कुछ भी नहीं हुआ इसके अलावा। और सारे डीएलएड के एडवोकेट का मुंह देखने लायक थे, कैसे शांति से खड़ा थे, कोई एक भी जवाब नहीं था। मैटर तो बहुत सारे थे, और इसमें यह भी बातें को रखे गए, यह चीज क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, यह प्रोस्पेक्टिव होंगे या फिर रेट्रोस्पेक्टिव होंगे। अगर प्रोस्पेक्टिव होंगे तो भाई ठीक है, यह तो नियम कहता है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तभी से प्रभावित होते, यानी कि प्रोस्पेक्टिव होते, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव होंगे। पहले वाले भर्ती पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि 28/6/2018 से लेकर जो 11/10/2023 तक, वो सारे जितने भी प्रोसेस में है, जितना जहां जहां नोटिफिकेशन निकल चुका है, वो सारे लोग शामिल होंगे। और वो चीज को लेकर अब कोर्ट को भी समझ में आ रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहे हैं कि लगातार बीएड वाले आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज क्लियर नहीं है जो नोटिफिकेशन को लेकर बात किए गए थे, वो चीज क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है ये कब से लागू होंगे, अब वो चीज को लेकर बहुत जल्द क्लियर होंगे। और ऐसे में बिहार सरकार के तरफ से एक और एसएलपी लगने वाला है बहुत जल्द, उसका जैसे ही एसएलपी लगाया जाएगा तो मैं डेट आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और जितने स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आज फिर से जजमेंट आएगा, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटर अपलोड होगा तो आज मैं खुद एडवोकेट सर के पास जाकर सारा चीज क्लियर करवाऊंगा, और क्या संभावना है, क्योंकि आज जिस तरह से बीएड वाले जीत रहे थे, आज कोई मुंह खोल करके नहीं बोले हैं, जितने भी डीएड वाले टीचर हैं, चाहे तो डीएड वाले के सपोर्ट से नेता लोग उतरे हुए थे, आज अगर हिम्मत है तो मुंह खोलकर बोल दे कि आज क्या हुए सुप्रीम कोर्ट में, सच्चाई बताएं, सच्चाई सबके सामने रखें, नहीं रखिएगा आप डर से, पैसा लेते हैं आप लोग, और बस डीएड वाले को खुश कर रहे हैं, जितना वो बेचारे लोग पैसा कमाएंगे नहीं, उससे आप ज्यादा पैसा उनसे लेकर और केस लड़ रहे हैं, जो कि कोई काम का नहीं, वो केस भी फालतू ही चले गए वहां, जो बिहार का बिहार सरकार की तरफ से लड़े गए थे, ये केस का पैसा आपका फालतू ही चला गया, और आगे आने वाला भी फालतू ही जाएगा, आपका लड़ने का कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई आंसर ही नहीं है, आप बस एक ही चीज बोलते हैं 11 तारीख को जजमेंट, तो जो लोग नियोजित हो चुके हैं इनको कैसे हटाएंगे, वो उस टाइम अनपढ़ थे क्या सारे लोग, जिस टाइम गजट बना था एनसीटी के द्वारा, जिस टाइम जो ये बनाए गए थे सारा, तो वो लोग अनपढ़ थे, वो लोग मूर्ख थे, उस टाइम गलत बना दिए गए, और अभी सही बनाए जा रहे हैं सारे कुछ। और ऐसे भी एनसीटी भी विचार में है कि डीएलएड को हटाया जाए, अब सारे जगह 1 to 12 तक बीएड को ही रखा जाए, और बिहार में सारे लोग जानते हैं कि किनका कट ऑफ ज्यादा है, क्या है और क्या सच्चाई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिलेगा, और वो सारा चीज आज रखे जाते, बहुत सारे चीज रखे गए, तो फिर से वो कंफ्यूज हो गए पूरी तरीके से, उनको बोला गया कि सारा केस फ्रेश है सर, तो फिर से कंफ्यूजन उनके पास आया, और केस को बोले कि वो अनिरुद्ध बोस है, उन्हीं के पास लेकर जाएं, उन्हीं के पास केस को ट्रांसफर किया गया, और वो सारे चीज स्पष्ट तरीके से करेंगे। और ऐसा नहीं कि अनिरुद्ध बोस के पास जाएंगे तो उस केस में कुछ दिक्कत हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, अनिरुद्ध बोस के पास भी जाके केस, वो केस को जीता जाएगा, और अगले बार हम लोग बहुत ही मजबूती से इस केस में उतरने वाले हैं, और बिहार सरकार जो एसएलपी लगा रहा है, आप लोग तमाम ताकत लगाएंगे, ऐसे ऐसे एडवोकेट उतरेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और बिहार का जो रिजल्ट है सातवां चरण का, वो इस रिजल्ट में डिले होंगे, क्योंकि बिहार सरकार ऐसे भी लगाने जा रहा है, और एक और फिर से जोरदार तरीके से सुनवाई होंगे, और अनिरुद्ध बोस के बेंच में ही सुनवाई होंगे, तो देखते जाइए आगे क्या क्या होते हैं। और जो लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, उन सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। आज कैसे बीएड वाले जीतने वाले थे, पर इस केस में ट्रांसफर कर दिया गया इस केस को, और केस में चेंज हो गया इस केस, मतलब आज बीएड वाले को 100% सफलता मिलने वाला था, पर वो सच्चाई सभी लोग छुपाते हैं, कोई बताएंगे नहीं
क्योंकि क्यों बताएंगे, आप लोग तो इनको पैसा देते नहीं है, पैसा देते हैं डीएड वाले, तो डीएड वालों को खुश करने के लिए बोलते हैं कि बीएड वाले बाहर हो गए, बोलने दीजिए। अब देखिए मेरे वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे डीएड वाले अब देखिए सच्चाई रखेंगे आप लोगों के सामने कि क्या सच्चाई था। मैं कोई चीज ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैं अंदर से सारा चीज बात करता हूं, इंफॉर्मेशन लेता हूं, भले ही मेरा वीडियो एक घंटा दो घंटा बाद अपलोड होता है, पर जो सच्चाई होता है मैं सच्चाई रखता हूं। ठीक है, जितने मेरे बीएड धारक साथी हैं सारे लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी जजमेंट जैसे ही शाम को पेपर अपलोड होगा, लेटर अपलोड होगा, तो मैं भूखे सर से सारा चीज जाके क्लियर करवाऊंगा और इस केस को लेकर मैं फ्रेश तरीके से आप लोग को सामने सारा चीज रखूंगा कि केस में आगे क्या होने वाले हैं, और सारा चीज को लेकर मैं आप लोग को कंफर्म करने वाला हूं। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पूरा डिटेल में मैं चर्चा करूंगा और क्या कहूंगा मैं खुद कॉल पे मिक्कू पाल जी को, दीपांकर गौरव जी को, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज एडवोकेट थे, जो लोग मौजूद थे, उन सारे से मैं बात करके आप लोग के सामने इस वीडियो मैं अपने चैनल पे वीडियो को रखूंगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे उन तक मेरा वीडियो आसानी से जाएगा और मैं सच्चाई रखकर रहूंगा। जो लोग बोल रहे, जो लोग गलत न्यूज फैलाते हैं, आजकल से बीएड वाले जितने वाले थे वो मैं सच्चाई रखूंगा। तो जितने स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।